हरे कृष्णा, व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं नवनीत आज सबसे पहले ऋचा जी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक में एक छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं जो ऋचा जी आज हमारे साथ शेयर करेंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे ट्रांजिट्स के ऊपर। जब किसी जातक का जन्म होता है तो जो प्लैनेट्स जिस नक्षत्र में जिस राशि में होते हैं, वो जो स्नैपशॉट होता है उस अंतरिक्ष के अंदर, उस स्नैपशॉट को हम जन्म लग्न की कुंडली कहते हैं। जब भी हम कुंडली बनाते हैं सॉफ्टवेयर में या फिजिकली किसी की कुंडली देखते हैं, तो पहला चार्ट जो हमारे सामने आता है वो लग्न का चार्ट होता है। उसमें कुछ बहुत सी दशा, महादशा, अंतरदशा, ये सब चलती है। अब उसके बाद, अब जरूरी नहीं कि मान लीजिए अगर सूर्यदेव जन्म के समय किसी के तीसरे घर में विराजमान थे तो आज भी तीसरे घर में हो सकता है, लेकिन वो मूव कर जाते हैं आगे। जब वो मूव करते हैं तो उस चीज को ट्रांजिट्स कहते हैं, और अगर आज की मूवमेंट हमने देखनी हो किसी की तो हम उसको गोचर कहते हैं कि आज का गोचर लगा के देखें कि किस प्रकार की स्थिति कैसे है। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा चौथे में थे, सूर्य तीसरे में थे, बुध आठवें में थे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है। हर प्लेनेट की पोजीशन चेंज होने का अपना समय है। जैसे शनिदेव 2.5 साल लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने में, सूर्यदेव 1 महीना लेते हैं। तो इस प्रकार जो है चेंजेस ट्रांजिट्स के होते हैं। जैसे राहु केतु की अगर हम बात करें तो तकरीबन 18 महीने का समय ले लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने में। तो आज हम बात करेंगे सूर्यदेव की, जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्लैनेट हैं, और सूर्यदेव के जो ट्रांजिट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सूर्यदेव का ट्रांजिट 1 महीने के अंदर एक राशि से दूसरी राशि में हो जाता है। तो आज सबसे पहले मैं ऋचा जी से इनका स्वागत करते हैं व्यास एस्ट्रो चैनल में, और मैं ऋचा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बताएं कि सन का जो ट्रांजिट है फर्स्ट हाउस से लेके 12वें घर तक किस प्रकार वो इफेक्ट करता है एक नेटिव की कुंडली के अंदर, हॉरोस्कोप के अंदर। ओवर टू ऋचा जी। थैंक्स नमित। जैसा कि नवनीत जी ने बताया, आज हम सन ट्रांजिट की जन्मपत्री के विभिन्न भावों में सन ट्रांजिट का क्या प्रभाव है, हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। लाइक वी कैन से दैट सन इज द गिवर ऑफ लाइफ एंड देयर कैन नॉट बी एनी लाइफ विदाउट सन ऑन दिस अर्थ। बिल्कुल ठीक। इन एस्ट्रोलॉजी वी कैन से दैट सन रिप्रेजेंट्स आवर ईगो, कॉन्फिडेंस, कॉन्शियस माइंड, फादर एंड आवर स्टेटस इन द सोसाइटी। तो सूर्य हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण चीजों को का प्रतिनिधित्व करता है, और सूर्य एक भाव या एक राशि में लगभग 1 महीने तक रहता है। जी जैसे कि अगर हम अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो इस जी समय सूर्यदेव मिथुन राशि में है और आद्रा नक्षत्र में है, और जब भी प्रतिवर्ष 20 से 24 जून के बीच में सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में आते हैं तो भारत में मॉनसून ऋतु का आरंभ होता है। जी तो बिल्कुल। आज के दिन हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि सूर्य का के गोचर का विभिन्न भावों में क्या प्रभाव है। जी। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम स्वयं, जो हमारी कुंडली का प्रथम भाव है वो हम स्वयं है, यानी कि हम। तो वेन एवर सन ट्रांजिट्स इन आर फर्स्ट हाउस इट ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन इन आर पर्सनैलिटी। एब्सोल्युटली। सडनली लाइक वी आर सिटिंग इन आर ऑफिस एंड वी रियलाइज दैट ओ माई गॉड आई नीड अ हेयर कट, आई नीड टू गो टू जिम, कि मुझे जिम जाना है, मुझे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। मतलब डेफिनेटली। जो फोकस है व्यक्ति का वो उसकी खुद की पर्सनालिटी पर आता है। जी तो जी जब भी सूर्यदेव किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो किसी भी राशि में हो, जी अगर उनके जन्म पत्र के प्रथम भाव में गोचर करेंगे तो व्यक्ति का ध्यान अपनी पर्सनालिटी को बनाने में, खुद
खुद को संवारने में उसका ध्यान ज्यादा जाता है। Absolutely. तो अब हम बात करते हैं कि जब सूर्य देव का गोचर दूसरे भाव में होता है, लाइक वी ऑल नो दैट सेकंड हाउस बिलोंग टू आवर फैमिली, आवर फूड एंड आवर अक्यूमुलेटेड वेल्थ। तो yeah. हम बोल सकते हैं कि जैसे हम अपना डाइट चार्ट प्लान करने की सोचें इस दौरान कि अपनी खाने पीने की आदतों को ठीक करने के बारे में जी, और जी. अपने फाइनेंशियल स्टेटस चेक करें तो सूर्य के दूसरे भाव में जब भी गोचर होगा तो हमारी फीलिंग इस तरह की आएगी। बिल्कुल ठीक। एंड नाउ वी कम टू द थर्ड हाउस। व्हेनेवर सन ट्रांजिट्स इन आवर थर्ड हाउस, लाइक वी नो दैट थर्ड हाउस बिलोंग्स टू आवर सिबलिंग्स एंड कम्युनिकेशन एंड आवर एफर्ट्स। सो व्हेनेवर सन कम्स इन आवर थर्ड हाउस तो वी मे स्टार्ट थिंकिंग लाइक टू डेवलप आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। लाइक कुछ देर से मान लीजिए किसी व्यक्ति को लिखने की उसकी हॉबी है जी. बहुत देर से उसने कुछ लिखा नहीं है जी. अचानक उसके मन में होगा कि उसको दैट ही शुड स्टार्ट राइटिंग समथिंग। और लाइक अगर उसके कुछ सिबलिंग्स के साथ कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, दे आर नॉट ऑन स्पीकिंग टॉकिंग टर्म्स विद ईच अदर, दे मे स्टार्ट फीलिंग दैट दे शुड गिव देयर रिलेशनशिप अनदर चांस। दे मे प्लान ए डिनर और सम आउटिंग विद देम। मतलब इस तरह की भावनाएं हो सकती हैं कि व्यक्ति को अपने रिश्ते को एक नया चांस देने के बारे में सोचें। बिल्कुल। तो हमारा अगला है जब भी सूर्य चौथे भाव में गोचर करते हैं, लाइक ऑल वी नो दैट फोर्थ हाउस बिलोंग टू आवर कंफर्ट्स, आवर मदर एंड आवर फैमिली एनवायरनमेंट। सो व्हेनेवर सन ट्रांजिट्स इन आवर फोर्थ हाउस वी मे पे मोर अटेंशन टू आवर मदर, आवर फैमिली एनवायरनमेंट और वी मे स्पेंड ऑन family comforts, like we may buy some dining table, something to make our lives comfortable. We can buy an air conditioner or something like that. Yeah, okay, yeah. Very nice. Next comes our fifth house. फिफ्थ हाउस जो कि हमारी संतान का है, क्रिएटिविटी का है और मंत्र साधना का भी है। बिल्कुल। तो वी मे स्टार्ट पेइंग मोर अटेंशन टू आवर चिल्ड्रन। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम सोच सकते हैं काफी देर से हमने अच्छी तरह से स्टडी नहीं की तो उसको रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करें। तो इसी तरह अगर कोई व्यक्ति मंत्रों का पाठ करता है प्रतिदिन तो वो सोच सकता है कि क्यों ना मैं मंत्र सिद्धि के बारे में सोचूं। Absolutely. क्यों ना मैं इसके लिए कोशिश करूं। मतलब इस तरह की भावनाएं उनके मन में आ सकती हैं। बिल्कुल। तो लाइक नेक्स्ट इज व्हेनेवर सन ट्रांजिट्स इन आवर सिक्स्थ हाउस, तो वी नो दैट सिक्स्थ हाउस बिलोंग्स टू आवर एनिमीज, आवर हेल्थ। तो पीपल मे सडनली फाइंड आउट दैट हु इज देयर एनिमी। लाइक सम पर्सन इज वर्किंग इन अ ऑफिस, he suddenly come to know that some people are backbiting behind them. Absolutely. Or some person is creating problems for them at the work front. Yeah. So immediately they come to know about the persons who are creating problems for them. Absolutely. And our next house is seventh house. So whenever sun transits in seventh house, तो इस दौरान सेवंथ हाउस जो कि बिलोंग करता है दूसरे लोगों का, हमारे बिजनेस पार्टनर्स का और हमारे स्पाउस का, सो व्हेनेवर सन ट्रांजिट्स इन आवर सेवंथ हाउस वी मे फील दैट वी शुड पे मोर अटेंशन टू आवर स्पाइस, वी मे प्लान सम डिनर और सम आउटिंग। और इसी तरह से हम अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी अपने रिलेशनशिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए किसी भी तरह से कुछ कोशिश कर सकते हैं जी. तो हमारा अगला है eighth house. As we know that eighth house belongs to hidden things, our research work. Suddenly we may think that we should do some research और मतलब हमको अचानक, जैसे किसी व्यक्ति को ये पता चल सकता है अपनी किसी छुपी हुई बीमारी के बारे में, अचानक पता चल सकता है या उसको डॉक्टर ये बता सकते हैं कि उसको इमीडिएटली सर्जरी की जरूरत है। हालांकि किसी को भी सुन के ये अच्छा नहीं लगेगा कभी भी, लेकिन कई बार होता है कि व्यक्ति की जान बचाने के लिए जी, तो उसको इमीडिएट सर्जरी से उसकी जान बच सकती है तो ये उसके लिए अच्छी बात है। Absolutely. तो जब भी सूर्यदेव व्यक्ति के जन्म पत्री के अष्टम भाव में गोचर करेंगे
तो व्यक्ति को अपने रिसर्च वर्क करने के लिए प्रेरणा मिल सकती है या उसको किसी छुपी हुई बीमारी के बारे में जी. कुछ भी पता चल सकता है जी. तो हमारा नेक्स्ट है 9th हाउस. सो व्हेनेवर सन ट्रांजिट्स इन आवर 9th हाउस, एज वी नो दैट 9th हाउस बिलोंग्स टू आवर फादर, आवर लक, तो इस दौरान व्यक्ति अपने फादर के लिए कुछ एफर्ट्स कर सकता है जी. या फिर वो ये सोच सकते हैं कि उसके धर्म में या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में उसकी एनहांसमेंट, मतलब उसकी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट इज आवर 10th हाउस. सो व्हेनेवर सन ट्रांजिट्स इन आवर 10th हाउस, एज वी नो द 10th हाउस बिलोंग्स टू आवर वर्क एंड वर्क प्लेस. The person may feel that he should, he need a promotion at work, or sometimes he may get new opportunities at work front. और उसका status भी बढ़ सकता है, मतलब उसको अचानक से realize होगा कि वो मतलब किस condition में किस level पे काम कर रहा है, तो उसमें उसको progress चाहिए. जी जी जी. तो sun का transit उसके मन में ये realize करवाता है. Absolutely. Our next is 11th house. As we know that 11th house is of gains, social networking and our wish fulfillment. Absolutely. तो जो व्यक्ति है वो अचानक से अपने पुराने दोस्तों से मिलने के बारे में सोच सकता है जी. सोशल नेटवर्किंग कर सकता है, क्या उसकी बहुत देर से अगर कुछ विश है कुछ नई कार लेने की जी. या किसी ड्रीम वेकेशन पे जाने की, तो वो उसके बारे में कोशिश कर सकता है इस दौरान. Whenever sun transits in his or her 11th house. Absolutely. So our next house is 12th house. As we know that 12th house belongs to moksha, isolation. So yes. Whenever sun transits in our 12th house, a person may feel that he needs some time, he needs to spend some time in isolation. Absolutely. Or he may plan to go some far away places like in foreign land for relaxation. Yes. मतलब अपने व्यक्ति मतलब खुद की well-being के लिए he may start doing yoga, exercises, meditation, etc. मतलब जब भी सूर्य 12वें भाव में गोचर करेंगे तो व्यक्ति के मन में इस तरह की भावनाएं आएंगी. बहुत बढ़िया. ये बहुत ही अच्छा विश्लेषण 1 से लेकर 12 घर तक ऋचा जी ने किया है. इसमें एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर दृष्टि जब प्लैनेट की यू नो ट्रांजिट में पड़ती है कि किसी और प्लैनेट की दृष्टि उसके ऊपर है और किस प्लैनेट के साथ जाकर कंजंक्ट होता है सन, ये भी मैटर करेगा. बट देन दैट इज बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल हॉरोस्कोप, नॉट इन अ जनरल. बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन ऋचा जी ने दी है. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. आप इसको अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको सुनने से अगर किसी का भला होगा तो उसका श्रेय आप लोगों को भी जाएगा. तो मैं ऋचा जी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे चैनल पे आए और उन्होंने अपनी ज्ञान के बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में जो है हम सबको बताया, शेयर किया हमारे साथ, क्योंकि जो ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है. सो टिल देन कीप वॉचिंग व्यास एस्ट्रो चैनल. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच.